अरे संत तो संत होते हैं। अच्छा हाँ, संतों के लिए तो आता है कि जहाँ कहीं काठ की स्त्री बनी खड़ी हो उससे भी कोसों दूर होकर निकलना चाहिए। तुम कैसे संत हो जो अर्धरात्रि में एक स्त्री से बात कर रहे हो? बेटी हाँ, बात करने की बात नहीं, आप जंगल में आई हो और जंगल संतों का स्थान हुआ करता है, जंगल में तपस्या करते। आप भी तो घर की गृहिणी हो, घर की लक्ष्मी हो, वो रात्रि जंगल में क्या कर रही हो? अच्छा बाबा, बिल्कुल जंगल में मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, इतने बड़े संत हो तो अपने सत्य सोच के बताइए, एक अबला क्यों आती है और क्यों आई है? तो फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ बेटी। हाँ? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी। क्या? तुम उसका उत्तर दोगी? पूछो, यदि आएगा तो मैं दूंगी, नहीं आएगा तो चुप रह जाऊंगी। सुनो बेटी, तो सुनाओ। सुनो, बढ़ाओ आवाज। पिंटू भैया, पिंटू भैया, अरे कावर सा तो भई अरी मेरी बिटिया, और के कहूँ भवो तो की का जवाब दूं? बिल्कुल। सुनो बाबा, सुनाओ बेटी। पति कभी मुझे छोड़ के परदेश गए? बिल्कुल। लेकिन बाबा हाँ, एक ही बात है। क्या? कौन सी बेटी? के बाबा भूखे में पथरा पड़ गए नए जन्मों कोई लाल महतब, भूखे में पथरा पड़ गए जन्मों कोई लाल। अच्छा, ना
हाँ। ना ही मेरे पति मुझे छोड़ के परदेश गए, ना ही मुझे कभी कम प्रेम किया, बस बात है तो मेरी गोद में पत्थर पड़ गए बाबा। इसमें न जाने क्या आग लगी है बाबा, इसकी वजह से कोई बेटा नहीं हुआ है, मैं इसलिए अपने प्राणों का अंत करना चाहती हूँ। बेटी हाँ, क्या तुम तो मेरी एक छोटी सी बात मानोगी? क्या तुम ऐसा करो, तुम अपने घर लौट जाओ और एक साल में तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। एक साल में? हाँ, एक साल में तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। एक साल में संतान पैदा हो जाएगी? बिल्कुल, एक साल में तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। और हमारे? अरे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कैसे हो जाएगी? अरे रानी सुनीति की बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा, हाँ अब तक तो हमने सुनी कि ये गृहस्थ गृहस्थ झूठ बोलते हैं, लेकिन ये रंगे भाई होता है वो तो डबल झूठा होता। बेटी हाँ, इसका मतलब आप संतों पर शंका करती हो? हाँ सुनो बाबा, सुनाओ। जिस बाग का माली चला गया, कैसे नहीं वो बाग सुखाएगा? और जब पति नगर में पति न घरों में आएंगे, कैसे बेटा हो पाएगा? कैसे बेटा हो जाएगा? पति न घरों में आएंगे, कैसे लाला हो जाएगा? जब पति न घरों में बाबा। हाँ बेटी, जिस बाग का माली चला गया वो कैसे नहीं बाग सुखाएगा, और जब पति ने घर में आएंगे कैसे बेटा हो पाएगा बाबा? बेटी हाँ, इसका मतलब आप संतों पर शंका करती हो? बिल्कुल। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, मोर वचन चाहिए और परे जय फीका, और संत वचन पत्थर की। हे बेटी हाँ। संतों की कभी वाणी मिथ्या नहीं जाती। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो एक साल में अगर आपके घर पुत्र ना आ जाए बेटी, तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा। अगर मरने का शौक है फिर आकर मर जाना बेटी। याद रखना भक्तों, नारद बाबा की बातों में दम नजर आया, उसी समय सुनती वापस लौट गई और जाकर के वहीं विराजमान हो गई। इधर जैसे रहने लगी, अब महाराज उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। जैसे ही शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होके गए और पहुंचे जंगल में, जब जंगल में पहुंचे हैं, एक हिरण का पीछा करते करते चले। जैसे हिरण का पीछा करते करते जाकर पहुंचे, बहुत दूर निकल गए और सेना पीछे रह गई। आज रात्रि हो गई, सेना वापस लौट करके आ गई और महारानी सुची से कहा, महारानी महाराज बहुत दूर निकल गए और हम तो लौट के आ गए। बोले चिंता मत करो, मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम सो जाओ। सब सैनिक सो गए जाकर के और सुची भी सो गई। और उसके बाद में महाराज अर्धरात्रि में लौटे और जैसे ही लौटे आकर के आवाज लगाई, कुंडी खोलो, कुंडी खोलो, कोई सुनवाई नहीं है। तीसरी बार आवाज आई, कुंडी खोल खोल, शब्द पर ब्रेक लग गया। क्यों? सुन नहीं रही है। नींद आ गई रानी को,
बार कहा, तीसरी बार पर ब्रेक लग गया, कुंडी खोल खोल सब ब्रेक लग गए। क्यों? उधर बड़ी रानी है महलों में, उस रानी की याद आई, इसको ख्याल किसका आया? बड़ी रानी सुनीति का। और जैसे ही कुंडी खोल में ब्रेक लगा, घोड़े को वापस किया और जाकर के पहुंचे कहां? सुनीति के पास। सुनीति वहां जाके दरवाजा खटखटायो, अरे कुंडी खोल, क्या तुम भी सो गई? बात दुखियारी है, कहानी दाती थी वो, केवल भगवान का भजन करती थी मैया। और जैसे ही आवाज लगाई, अंदर चार पाई पे पड़े पड़े कह रही है, मैया पिया याद करो उस दिन को, जिस दिन मेरे पिता के दरवाजे पर तुम सिर पर सेहरा रख करके गए थे, साथ जीने मरने की कसम खाई थी, आज मेरी सौत के कहने पर तुम मुझे मारने के लिए आए हो। पिया उस दिन को याद कीजिए, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप उसके कहने पर मुझे मारने के लिए आए हो पिया। सोई महाराज उत्तान बाद बोले, ए, जल्दी दरवाजा खोल, न वो बकबका देवी जग गई ना तो मुड़े पर छप्पर धर के नचिए। सोई समझ गई रानी कि छोटी रानी से छुप करके आए हैं, भागी और आके दरवाजा खोल दिया और लेके चली है पति को। किधर? चारपाई की ओर। कैसे चली है? उत्तानपाद को अंदर ले गई और जा करके एक जौ की रोटी रखी है वो कहा दी, नमक के साथ में महाराज के नेत्रों से आंसू निकल गए। देवी तू ये खाती है, इसके साथ तेरा कैसे पेट भरता है? आज उसी समय पर ठंडा जल पिया और देखा है, कहने लगी, आओ श्री महाराज बस खातिर से लाचार में सब ओर से ईश्वर ने कर रखी हूँ खुमार में, मेरे तो ब्रह्मा ने लिखे
जो शेर बर तकदीर में क्या प्राण पत सेवा करूं, होती हूं दिलगीर में। किया मेरे तो ब्रह्मा ने एक शेर जो लिख दिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, कहां से लाऊं। एक रोज वे था पिया पलंग पचरंग पर बिठलावती, अफसोस सदय अफसोस आज टूटा खटोला डालती। एक समय वो था पिया, मैं पलंग पचरंग पर बिठाती थी, लेकिन आज मेरे पास ये टूटी चारपाई के सिवा कुछ नहीं है जिस पर मैं आपको बिठा सकूं। आज से कर दुख गुजर स्वामी रे नया बिताइए, भरतार अपने चवल रवाए दासी को सफल कर जाइए। आराम के बदले पिया आफत उठानी है यहाँ, रानी तो रनवास में कौआ उड़ानी है। पिया रानी तो रनवास में है, यहाँ तुम्हारी केवल काग बनाने वाली दासी है। महाराज के नेत्रों से आंसू निकल गए, देवी अब और ज्यादा लज्जित मत करे मुझे, सारी रात हो गई ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अब मैया बार बार कंठ से लगाती है, प्रेम मदमाती पिया सेज पे सुहाती नार, और बार बार प्रीतम को कंठ से लगाती। छाइए घटासी और प्यारी छटासी नारे, परसों की प्यासी मानो प्यास को बुझा। एक बजे दो बजे तीन जब बजन लगे, चार बजे रानी घड़े आले पे झुझला। ओरे घड़े आले पवन ने कमोन धार, और मोगरी न मारे मोगरी बिनी कीरा। सुबह के चार बजे घड़ियाले वाले ने घंटा बजा दिया, टन टन टन। ओरे घड़ियाले वाले आज इतनी इस गरीबनी की रात इतनी छोटी कैसे हो गई, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी अब मुझे जाने दो, समय हो गया है, कहीं वो जग गई छोटी रानी तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तू मुझे जाने दे। आज उसी समय पर चढ़ रज अपने मस्तिष्क पर लगाई, माथे पर लगा करके मैया ने विदा किया है, चली है। महाराज उत्तानपाद पहुंचे, जैसे ही महल के दरवाजे पे पहुंचे तो ना जाने दो बजे जग गई के तीन बजे जग गई, दरवाजे पे खड़ी ही पाई। जैसे ही महाराज उत्तानपाद सामने से देखे, सोई महाराज परीक्षा जी जैसे ही सामने आवत देखे, कहां गए थे हैं, ये ओठ कैसे सूखे हुए हैं, ये आंखें कैसे लाल हैं, मैं जानती हूँ तुम सौत के घर गए होगे, वहीं से आ रहे हो। ऐसी तरह के घोड़ा का लगाई तो महाराज तो सका पकाई। लेकिन महाराज को भी क्रोध आया, क्यों री तुझे चैन नहीं पड़ा, अरे तूने रानी से उसे काग बिठानी बना दिया, तूने दासी बना दिया उसको, महलों से भी बाहर रखा तूने, फिर भी तेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंची, ले तलवार जाके मार दे उसको, तब तुझे चैन मिलेगा। जो महाराज ने धरे के घोड़ा का लगाई, सोई रानी को सेंटर बदले को सोई हाथ जोड़ने लगी, अब तुम तीन तीन दिन मत आइयो तो हम कछु न कहेंगे, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, माफ की बच्ची तेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंची, तूने उसे रानी से काग बिरानी बना दिया, फिर भी तुझे चैन नहीं पड़ा। बोले पिया क्षमा कर दो, अब तुम तीन तीन दिन आना आइयो तो हम कुछ न कहेंगे, अब तुम हमें माफ कर दो। और उसी समय समझाए कहने लगी, रानी पिया मैंने बड़े सुंदर भोजन बनाए, भोजन कर लीजिए आप, भोजन कर लीजिए, बोले क्षमा कर दो। और क्या बोली है, कछु गलती बन गई रे सो माफुर सैया कीजो, अरे राम रसोई प्यार करूं भरतारा हरा निकली जो, हरा निकली जो। तुम करो पल पल
सारे जल झाड़ी मंगा करके पति को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में भोजन खिलाया, इत्यादि करने के बाद में उसी रात्रि छोटी रानी के साथ सहवास किया। आज दोनों रानियां गर्भवती हैं, आज दोनों रानी गर्भवती हैं। जैसे ही समय आया प्रसव काल का, तो सबसे पहले बड़ी रानी आज अपनी कुटिया में बैठी है। गर्भवती जिस दिन से गर्भधारण किया है, उस दिन से काम काज किया है, अधिक से अधिक खेतों में जाके अनाज ले लेकर के आज काम किया है, अनाज बटोरा है, तब जाके अपना पालन पोषण किया है। और एक छोटी वाली रानी बाने जादिन से गर्भधारण किया, उस दिन से पलंग नहीं छोड़ा, उसने पलंग से नीचे पैर नहीं रखा। अब मैया के जैसे ही पुत्र प्रसव काल की पीड़ा नजदीक आई, तो उसी समय पर हुआ क्या, सुबह 4 बजे की बेला में मैया की पीड़ा आई। प्रथम पीड़ा आई, मैया चारपाई पे बैठ गई। दूसरी पीड़ा आई, मैया चारपाई से नीचे बैठ गई। तीसरी पीड़ा आई, मैया ने ओम शब्द का जाप किया बड़े लंबे स्वर में। मैया ने बड़े लंबे स्वर में ओम को खींचा, ओ साथ ही बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। बड़ा ही सुंदर ध्रुव, और जाए वहां से जुम्मस न खाए, अटल संकल्प। और उधर मैया सुलची जो बैठी हुई थी, उसके पीड़ा आई, माने भगवान को नाम ना है, लो एक बार बाने तो हाय दिया जाने की, हाय मैया जाने की, 18 पीर वहीं तब लला भाई। तो जिनको नाम रखो उत्तम श्रेष्ठ। दो पुत्र हैं, कहां एक भी नहीं था, आज दो दो पुत्र हैं, याद रखना। मैया सुनीति ने काम काज किया था, तो प्रसव काल की पीड़ा को कोई दिक्कत नहीं हुई थी उस समय पर, बेटा बड़ी सहज में हो गया था। और माताओं, आजकल काम करना सब छोड़ दिया है आपने, क्या छोड़ दिया है, चाकी चलाना। जादिन से तुमने चाकी चलावे छोड़ो, बादिन से तुम मौत के घाट उतरन लगी हो। जादिन से क्यों, चाकी जो चलाती थी मैयाएं, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई और वर्जिश नहीं कर सकती हो तुम। जादिन से चाकी को चलावे छोड़ो, बादिन से तुम मौत के घाट उतरन लगी हो। कैसे, मेरी या तुम्हारी कोई बहन बेटी हो, आज के समय पर प्रसव काल अगर आ गया है, बेटे का जन्म लेने वाला है, तो वो यहाँ नहीं होगा। थोड़ी सी बेटी के अंदर से मुंह आवाज आई, कदे एम्बुलेंस को फोन, एम्बुलेंस आ गई, रख ले गई। वहां जाके 4 डॉक्टर इधर लगे हैं, 4 नर्सें इधर लगी हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, बोतल चढ़ रही हैं, तो तुम बच गई तो ललाना है, लला बच गई तो तुम ना। ये क्यों हुआ है, चाकी का चलाना छोड़ जा, तब इसीलिए हुआ है चाकी का चलाना।